तो फाइनली गाइस बजाज कंपनी ने अपनी पल्सर P150 को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ गाइस, मैं आया हुआ हूँ कलकत्ता, जहाँ पर कंपनी ने इस बाइक को लॉन्च किया है। इस बाइक में कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, जिसकी वजह से इस बाइक की तरफ 100% कस्टमर डाइवर्ट जरूर होंगे, क्योंकि 150 सेगमेंट में जो बाइक आती है वो पुराने कई समय से एक ही डिजाइन में चली आ रही है, और इसी के साथ साथ उसमें थोड़े बहुत कंपनी चेंजेस कर देती है, ग्राफिक चेंजेस कर देती है, लेकिन इस बार कंपनी ने बहुत कुछ ऐसा चेंज कर दिया है जो कि कस्टमर्स को 100% वो पसंद आने ही वाला है। और थोड़े बहुत चेंजेस नहीं है, बहुत सारे चेंजेस हैं। इंजन में भी चेंज आपको मिलेगा, डिजाइन में भी चेंज देखने को मिलेगा, माइलेज में भी चेंज मिलेगा। क्या क्या है आइए वो आपको मैं आगे बताता हूँ। आइए चलते हैं बजाज के इवेंट पर। जी हाँ गाइस, बजाज कंपनी ने मुझे इनवाइट किया है। आपको बाइक दे रहे हैं पूरे दिन तरीके से, आशीष ने कहा। माय नेम इज हर्ष तिवारी, आई हैव अ YouTube चैनल नेम इज टेक्निकल SSD। पल्सर P150 माय फेवरेट फीचर इन पल्सर P150 को कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है। इस बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से एक और नई पल्सर सीरीज की बाइक के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की। इस बाइक का कर्व वेट है 140 kg, व्हील बेस है 1352 mm, ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस बाइक में 165 mm का मिलता है, और इसकी सीट हाइट है 790 mm की। आइए अब इसका वॉकराउंड करते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड हैंडल ORVM के डिजाइन को देख रही हो। पल्सर P150 में आपको डुअल टोन में इसका हेड मिलता है। यहाँ पर आपको हाफ ट्रांसपेरेंट वाइजर मिलता है, यहाँ पर आपको स्टिकर्स मिलते हैं, इस बाइक में आपको LED DRL मिलते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में कंपनी ने प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप लगाकर दिया है। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट और इसके DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिसमें कंपनी ने हेलोजन बल्ब का ही यूज किया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, यहाँ पर कंपनी ने प्रोटेक्टर लगाकर दिया है। फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का है, ये आपको डुअल टोन में मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने ABS को मेंशन किया है। दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। पल्सर P150 में आपको न्यूली डिजाइन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, इसके अलॉयस पर आपको ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको MRF कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 90-90-17। फ्रंट टायर ग्रिप्स कुछ इस तरीके की है। आइए बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। पल्सर P150 में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट व्हील में कंपनी ने 260 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इसके टैंक कॉल पर कंपनी ने पल्सर को 3D में मेंशन किया है, काफी अच्छे ग्राफिक्स लगाकर दिए हैं। यहाँ पर आप देखिए कंपनी ने डुअल टोन दिया है। P150 में आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और यहाँ पर कंपनी ने एक USB-A चार्जिंग पोर्ट लगा कर दिया है, जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। के टैंक का जो डिजाइन है कुछ इस तरीके का है, इंस्पायर्ड है N160 से। टैंक हैंडल ORVM का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। आइए इसके फीचर बटन देखते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड एक पासिंग स्विच मिलता है, यहाँ पर लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है, और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इस बाइक की जो स्विच की क्वालिटी है काफी अच्छी है, काफी प्रीमियम है। इसके राइट हैंडल पर डेडिकेटेड एक इंजन किल स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। पल्सर P150 के साथ में आपको कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है, नॉर्मल चाबी है, कोई भी आपको वेब की नहीं मिलती है, इंस्पायर्ड है N160 से। इग्निशन के ऑन होते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है, इंस्पायर्ड है N160 से। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सेंटर में कंपनी ने RPM मीटर दिया है, जो कि एनालॉग में है। यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, DTE मिलता है, सिंगल हॉर्न लगा कर दिया है जो कि लाउड है, कंपनी फिटेड आपको इसमें क्रैश गार्ड मिलता है, और इसके इंजन काउल का जो डिजाइन है कुछ इस तरीके का है। आइए गाइस अब वहाँ की बात करते हैं, जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, अब बिल्कुल ठीक समझे इस बाइक के इंजन की। P150 में कंपनी ने न्यूली 149.68 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 Fi 4-stroke 2-valve इंजन लगा कर दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 14.29 bhp की 8500 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.5 Nm का 6000 rpm पर। इसके इंजन से आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, और इसी के साथ साथ इससे आपको काफी अच्छा माइलेज भी मिलता है।
माइलेज के बारे में आपको आगे बताऊंगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, पैटर्न है फर्स्ट टर्न ऑल अप और इस बाइक में कंपनी ने साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी लगाकर दिया है जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी बात है। पिलियन फुटरेस्ट और राइडर फुटरेस्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है, ये दोनों ही आपको फोल्डेबल मिलते हैं। बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की, रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। जी हाँ गाइस, पल्सर 150 में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन, काफी अच्छी बात है। इस बाइक की सीट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, इसकी सीट जो है वो आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल मिलती है लेकिन सॉफ्ट उतनी ज्यादा नहीं है। ये बाइक आपको स्प्लिट सीट में भी मिल जाएगी और सिंगल सीट में भी मिल जाएगी। इस बाइक के ग्रेवरेल का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है। सीट कॉल पर कंपनी ने P150 को मेंशन किया है। नेकेड चैन सेट मिलता है, कंपनी फिटेड आपको इसमें साड़ी गार्ड भी मिलता है। आइए बात करते हैं इस बाइक के रियर टायर की, रियर में भी आपको MRF कंपनी का ही एक बेहतर क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 110-80-17। रियर टायर में ग्रिप्स आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती है। ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल, टेल लाइट आपको LED में मिलती है, साइड टर्न इंडिकेटर और नंबर प्लेट लाइट में कंपनी ने हेलोजन बल्ब का ही यूज किया है। आइए अब बात करते हैं इस बाइक के रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। रियर व्हील में कंपनी ने 230mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दिया है। यह बाइक आपको सिंगल डिस्क वेरिएंट में भी मिल जाएगी। यह पोर्शन इसका बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कंपनी ने कोई भी ऐसा प्रोटेक्टर वगैरह लगाकर नहीं दिया है। इस बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है लेकिन इसका जो साउंड है बहुत ही अलग है भाई, एकदम अलग लेवल का, मैं आपको आगे सुनाता हूँ। साइड पैनल्स पर कंपनी ने कार्बन ब्लैक के स्टिकर्स लगाकर दिए हैं। इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है। चाहे आप सिंगल डिस्क वेरिएंट में लो या फिर ट्विन डिस्क वेरिएंट में लो, आपको किक स्टार्ट का फीचर इस बाइक में मिलेगा। आइए गाइस, अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं, इंजन साउंड सुनाता हूं और मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूं। इग्निशन के ऑन होते ही ना तो इसके LED DRL ऑन होते हैं और ना ही इसकी हेडलाइट ऑन होती है। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और इसके DRL भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। आइए मैं आपको इसका लो बीम हाई बीम भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। आइए अब मैं आपको इसकी नाइट में लाइट दिखाता हूँ कितनी ये विजिबल है। तो बाइक मैंने स्टार्ट कर ली है, ये देखिए इसका हाई बीम, लो बीम, हाई बीम, लो बीम। साइड टर्न इंडिकेटर्स मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। आइए अब मैं आपको इस बाइक का साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी दिखाता हूँ। बाइक अभी स्टार्ट है, न्यूट्रल है। सबसे पहले तो मैं इसका साइड स्टैंड लगा देता हूँ, ये देखिए। क्लच लेकर जैसे ही मैंने इसका फर्स्ट गियर डाला वैसे ये बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो गई। अगेन स्टार्ट करके मैं आपको इस बाइक का इंजन साउंड सुनाता हूँ और आपको इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ। सिंगल प्रेस में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और एग्जॉस्ट नोट को भी सुनिए। पहले नॉर्मल साउंड सुनिए फिर मैं थ्रॉटल दूंगा, उसको सुनिएगा। अल्टीमेट साउंड है, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अब इस बाइक की राइड लेते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसकी किस तरीके की परफॉर्मेंस है और ये कितना माइलेज निकाल कर दे देगी। हेलमेट बहुत जरूरी है, हेलमेट लगाकर बाइक चलाएं। फर्स्ट गियर में देखते हैं ये बाइक कितनी जाती है, सेकंड गियर में देखते हैं कितनी जाती है, 50, थर्ड गियर में 65, थर्ड गियर में 65 चली जाती है, फोर्थ गियर में 70+। हाँ जी भाई, हाँ तो मैं हैंडलिंग की बात कर रहा था, इसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है और पावर आवर सब कुछ बेहतर है, चलने में भी बढ़िया है,
तीसरे चौथे गियर पे आराम से मस्त भागती है। अच्छा, ट्रैफिक में मैंने अभी तक पांचवा गियर नहीं लगा पाया है, चलिए कोई नहीं, आगे लगाएंगे जब खाली रोड मिलेगी तब। एवरेज की अगर बात की जाए तो ये बाइक लगभग आपको, मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ, 45 से 50 के बीच में ये निकाल कर दे देगी आराम से। फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। मेरे फाइनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मैं आपको ये बाइक 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।